फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर. वेलकम टू माय चैनल. फ्रेंड्स, आज हम क्ले और दिए की मदद से एक नए स्टाइल का दिया क्रिएट करने वाले हैं. एलिफेंट का शेप देंगे हम दिए को. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले हमें क्ले को लेना है. लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए. ये हमने क्ले को राउंड कर लिया है. अभी हम अपना दिया लेंगे और इसको प्रेस करते हुए हल्का इंसर्ट करेंगे अपनी क्ले के अंदर. ये हमने दिए को काफी हद तक इंसर्ट कर दिया है. अभी इसको उल्टा करके इसको पूरा हमें दिए को कवर करना है. इसको हम अच्छे से कवर करेंगे. अच्छे से कवर करने के बाद हमें यहां पर इस तरीके से क्रॉस करना है ताकि हमें थोड़ा पॉइंट मिल जाए जहां पर हम एलिफेंट के पैर बनाएंगे. तो हमें चार पॉइंट्स मिले. इसको हमें प्रेस करते हुए एलिफेंट की लेग्स बनानी है. इस तरीके से हमें हल्का सा प्रेस करते जाना है और इसकी एलिफेंट की लेग्स को फॉर्म करना है. हल्का सा पानी लेकर इसको स्मूथ करते जाएंगे साथ साथ. ये हमारी एलिफेंट की लेग्स फॉर्म हो गई हैं. दिया भी कंप्लीट कवर हो गया है और इसकी लेग्स भी फॉर्म हो गई हैं. अभी हम इम्प्रेशन बनाएंगे इसके. और इसके साथ साथ हमें इसी टाइम पे इधर एलिफेंट के यहां पर भी हमें इम्प्रेशन बना देना है. हल्का गीला करके हम इम्प्रेशन बना देंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने इम्प्रेशन बना दिए हैं. अभी दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हमें डिजाइन कर देना है. इसके ऑपोजिट साइड पर हम डिजाइन करेंगे. दोनों साइड पर इसके डिजाइन कर दिए हैं और ये एलिफेंट की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. और अभी इसकी टेल बनाएंगे.
टेल बनाने के लिए हम व्हाइट ग्लू लेंगे और व्हाइट ग्लू से हम यहां पर स्टिक कर देंगे। इनकी बॉडी कंप्लीट हो गई है, अभी इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं और मेन टाइम हम इसका फेस बनाते हैं। अभी हम इसका फेस बनाएंगे और उसके लिए हम इसको कोन शेप में बनाएंगे। पहले ऊपर से थोड़ा चौड़ा होगा और नीचे से पतला होगा, कुछ इस आकार का हमें फेस के लिए बनाना है क्ले को। और ये आइसक्रीम के कोन के तरह हमें क्ले को शेप देनी है और फिर दो उंगली से हमें इसको इस तरीके से दबाते हुए बाहर की तरफ लेके आना है। इस तरीके से हमारा फेस कुछ तैयार करना है। अब इतना करने के बाद हमें ये टर्न कर देना है कुछ इस तरीके से। बहुत इजी है इसे बनाना। अभी इसको हम ये बॉडी जो बनाई है इसके साथ हम ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा कुछ हाथी की फिगर इस तरीके से रेडी हो जाएगी। अभी ये ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो चुकी है क्ले। अभी हम इसको फेस भी ड्राई हो गया है, अभी हम इसको फिक्स करेंगे यहां पर। व्हाइट ग्लू लेंगे और अच्छे से लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। ये हमने व्हाइट ग्लू से इसका फेस ऐसे लगा देना है और इसको हमें थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे इसी पोजीशन में। और जब तक ये ड्राई होता है हम ऊपर की हम बॉर्डर बनाएंगे। अभी इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारा एलिफेंट दिया ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर बॉर्डर लगाकर इसको फिनिश करेंगे। इस तरीके से हम बॉर्डर तैयार करके इसके ऊपर ऊपर लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे। यहां रख के हमें हल्का सा इसको फ्लैट करेंगे और उनके साथ इसको फिक्स करेंगे। अभी हम कलर करेंगे और कलर करने के लिए हमने एक्रेलिक पेंट लिए हैं। ये रेड और ब्लू का यूज करके हम इसको कलर करेंगे। ब्लू कलर लेंगे इसमें थोड़ा रेड मिक्स करके हल्का मोव कलर का इफेक्ट देंगे।
ये हमारा मूव कलर बन गया है, इसे हम एलिफेंट को पेंट करेंगे। ऑल ओवर पहले पूरी बॉडी पर ये कलर हमें पेंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एलिफेंट इंडिया ऑल ओवर हमने कलर कर दिया है। अभी इसको थोड़ा और डेकोरेट करते हैं, और इसके लिए हम ये 3D कलर यूज करेंगे फेविक्रिल के। ये रेड कलर से हमने यहाँ पर लाइनिंग्स की हैं, और गोल्डन कलर से हम इस तरीके से हमें इसको डेकोरेट कर देना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड पर भी, इसके ऑपोजिट साइड पर भी हमें सेम ऐसे ही डिजाइन कर देना है। तो दोनों साइड पर हमने डेकोरेट कर दिया है एलिफेंट को। अभी हम इसके टीथ को और थोड़ा आगे भी हम इसको गोल्डन और रेड के साथ
तो ये है हमारे एलिफेंट डे के फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको भी ये पसंद आया होगा और इस दिवाली में आप जरूर इसे ट्राई करोगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन। बाय बाय।